कक्षा 4 का है, ये क्लास 4 और चैप्टर मेरा 3rd है, यानी तीसरे पार्ट की हम को हम देख रहे हैं। इसमें तीसरे पार्ट का नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। क्या है इसका नाम? महायज्ञ का पुरस्कार। तो इस कहानी में जो है, इस कहानी के जो है रचनाकार हैं यशपाल जैन। इस कहानी रचनाकार यशपाल जैन हैं। इस कथा में सच्चे बलिदान व त्याग की महिमा का अत्यंत ही रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। और इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि निस्वार्थ, निस्वार्थ का अर्थ है जिसमें हमको कुछ चाहत ना हो, हम कुछ उसके बदले में नहीं चाहते हैं, इस तरह का त्याग यानी कुछ दिया गया ही सबसे बड़ा यज्ञ है। बिना कुछ चाहत का कि हमको उसके अपेक्षा रखे, उसके बदले हमको कुछ मिले, उसको हम कहते हैं निस्वार्थ। तो निस्वार्थ रूप से त्याग करना, किसी को कुछ दे देना इसके बदले हम कुछ नहीं लेते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, किस महायज्ञ का पुरस्कार। पुरस्कार जानते हैं, इनाम। आगे हम कहानी देख रहे हैं कि एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। धनी धनवा संपत्ति वाला जिसको हम कहते हैं, सेठ थे वो, अत्यंत यानी अत्यधिक विनम्र, नम्रता इसके पास, विनीत जो विनीत हो, और उदार जिसके हृदय में कुछ नहीं हो था। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता। धर्मपरायण यानी धर्म को मानने वाला, उसका अनुसरण करने वाला, उसकी राहों पे चलने वाला। वो इतने अधिक थे कि उनके दरवाजे से कोई भी साधु यानी वैरागी जो होते हैं, संत ज्ञानी लोग, निराश नहीं लौटते थे, भरपेट भोजन पाता, यानी कि अच्छी तरह वो खा पी के निकलते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ करवाए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। यानी कि सेठ धनी थे, उनका अपना कुछ होगा कारोबार, वो चलता होगा, बहुत अधिक धन उसके पास आता होगा, इसलिए वो अपने दरवाजे पे साधु संतों को भोजन करवाते, कोई भी उनके यहाँ से निराश नहीं लौटता। दीन दुखियों, दीन गरीब दुखियारी जिसको किसी की आवश्यकता हो, नहीं हो कुछ, उसको वो बहुत कुछ दिए थे। अकस्मात अचानक दिन फिरे यानी कि दिन लौटे और सेठ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक यानी कि हम जो किसी को धन, खराब हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ भूखों मरने लगे। नौबत स्थिति कहाँ, वो अपने दरवाजे पर से किसी को भूखे नहीं जाने देते थे, लेकिन अचानक क्या होता है, उनके दिन बदल जाते हैं।